हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एच एस के होम डेकोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉलपेपर में बबल्स के बारे में। वॉलपेपर में बबल्स क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं उनके और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉलपेपर में बबल्स आने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है दोस्तों, लो क्वालिटी का एडहेसिव यूज करना, जिसका पेस्ट आता है CMC पाउडर। दोस्तों उसका दो ग्रेड में वो आता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। अगर आप उसको बी ग्रेड का यूज करते हैं तब उसमें बबल्स आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड रीजन जो होता है दोस्तों वो होता है फेविकोल। अगर आप उसमें लो क्वालिटी का लोकल फेविकोल डालते हो, अच्छी क्वालिटी का फेविकोल नहीं डालते हो, तो उसमें बबल्स आते हैं। तो तीसरा कारण होता है दोस्तों, वॉलपेपर के ऊपर जो एडहेसिव है वो अच्छे से न लगाना और या कम लगाना, और दीवार पे भी न लगाना। तो ये भी एक कारण होता है, आपको दोनों पे लगाना होता है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। चौथा जो कारण होता है दोस्तों, आपको इंस्टॉलेशन की पूरी नॉलेज न होना। अगर आपको इंस्टॉलेशन की उसकी डिटेल का नहीं पता है आप, तो उसमें भी बबल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनको, कैसे इनको हम ठीक किया जा सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी का जो वॉलपेपर एडहेसिव लेना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने की कैसे इसको तैयार किया जाता है उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से सीख सकते हैं कि आप अच्छा केमिकल, अच्छा एडहेसिव कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, उसके अंदर आपने केमिकल के साथ जो फेविकोल हम यूज करते हैं वो आपको SH यूज करना है, पीडीलाइट का। जो पीडीलाइट कंपनी आती है, जो उसका ओरिजिनल फेविकोल होता है वही यूज करना है। उससे जो लोकल आते हैं पाउच वाले, उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उससे आपके बबल आने के और उसकी लाइफ कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। एक और जो चांस दोस्तों, और उससे जो अगला जो कारण था हमारा, एडहेसिव अच्छे से न लगाना। एडहेसिव अच्छे से लगाने का मतलब यह है दोस्तों, जब भी हम वॉलपेपर की बैक साइड में पेस्ट लगाते हैं तो कहीं कहीं पे वो जगह रह जाती है, तो वहाँ पे आपके बबल्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप उससे बचने के लिए आप उसके साथ दीवार पर भी एक बार पतला पतला वॉलपेपर का जो एडहेसिव है वो लगा दें, ताकि उस पर अगर आपका कहीं पर भी रह जाता है तो वो एक दूसरे से पूरा कर लेते हैं, तो आपके जो बबल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको वॉलपेपर के जो आपकी फट्टी होती है उसका प्रयोग अच्छे से करना है। उसको बहुत ज़्यादा टाइटली उस पर प्रेस नहीं करना है, ना ही बहुत लूज। तो आपको इतना उस पर प्रेस करना है कि उसके अंदर फेविकोल या जो एडहेसिव है वो ना रहे और वो अच्छे से उसके ऊपर पेस्ट हो जाए। तो ये हैं दोस्तों इसके कारण। अगर इसके अलावा भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की और आपसे को हर इसके बारे में डिटेल कर जानकारी देने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक जय हिंद जय भारत।